जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से आए क्वेश्चंस वो मैंने दे दिया, लेकिन 2014 वगैरह में ना आपका पेपर का पैटर्न कुछ अलग था। 14 तो खुल ही नहीं रहा है, मैंने नोटिस किया। फरवरी 2012 वाला खुल नहीं रहा है, पता नहीं ब्लैंक आ रहा है, पूरा वो शीट ही ब्लैंक आ रही है। और बाकी जो है उसमें मतलब मैथ्स के बहुत कम क्वेश्चन है, तो वो ईयर हमारे काम के हैं ही। हमारे काम के ईयर जो हैं वो 2021, 19 और 17। 18 में शायद पेपर हुआ या पता नहीं, देखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने आपको सेंड कर दिए, इसको टाइप भी करवा देंगे ताकि आपका भी अपना प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इसको शीट खोल के ट्रिग्नोमेट्री के ये सारे सम्स कर सकते हैं। जितना भी मैंने आपको बताया उसमें से आपको ऑलमोस्ट सारे आते हैं, बस आपको तीन टाइप के पैटर्न नहीं आते हैं। एक एंगल और रेडियन निकालने वाला जो कल हमारी क्लास में जस्ट स्टार्ट ही हुआ था, और एक आपको निकालना है दो जो ये होती है ना, क्या बोले उसको, निडिल होती है ये की, वॉच की, एक मिनट का और एक आर का, तो वो अगर 720 है तो उनके बीच में कितना एंगल बन रहा है। ये सिर्फ आपके 2021 में पूछा गया, पर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो एक बताना है आपको। और बाकी मैंने जो आपको भेजा था वो आपने कर लिया, बुक का जो भेजा था? नहीं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे पेपर में आ रहे क्वेश्चन, तो वो आपको सारे एनसीईआरटी तो करके रखने ही है। ठीक है, नहीं होगा तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा बाद में। जी ठीक है, और आपका एक रह गया है, वो बहुत इजी है, वो आपका वही लेंथ और ट्रायंगल निकालना, वो मैं आपको बता रही हूँ। और आपका कोई डाउट या कुछ है तो पूछ सकते हैं, वरना मैं क्लास शुरू करूंगा। नहीं, शुरू करते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री इतना है, और अगर आप एक साल पहले पेपर देते तो शायद आपको इतना पढ़ना भी नहीं पड़ता, एक दो साल पहले। बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा निकालने के लिए पूछा जा रहा है, साइन थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा निकालने के लिए कहा जा रहा है, वो तो आप ऐसे ही निकाल लेते। ये अभी के सालों में आपका थोड़ा सा टफ कर दिया गया है। कल का पीडीएफ ठीक था ना? जी मैंने चेक कर लिया। एक तो आपको देखिए ये क्या है, ये है क्वेश्चन। अगर मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस होता है ये सर्कल का, ये तो आपको पता है। हेलो जी, और ऑल रेडियस आर सेम, तो ये भी रेडियस ही होगा, आर ही होगा, है ना। और इसके बीच में ये जो इन दोनों रेडियस के बीच में मान लीजिए कि ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है जी। और सर्कमफेरेंस का जो भी पार्ट होता है ना, जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल है, इसके इस पार्ट को सिर्फ हम लेना तो इसको आर्क लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, बस यही फॉर्मूला आपको हर जगह यूज करना है और आपका क्वेश्चन में 1 मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन, ठीक
आपको कह रहे हैं कि अगर किसी फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आए हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है इन विच सेंट्रल एंगल जो है वो 60 डिग्री है एंड आर्क ऑफ लेंथ जो है वो 37.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या निकालना है, आर निकालना है। यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन कि एल जो है आर्क ऑफ लेंथ वो कितनी है, 37.4 सेंटीमीटर, किया कितना है 60 डिग्री, आपको आर निकालना है, ठीक है, दैट मींस रेडियस निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो वी नो दैट अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा लिख सकती हूँ मैं जी। हेलो जी, आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा, एल कितना है 37.4, और थीटा को मैंने कल आपको बताया था कि मैं इसको थीटा हमेशा रेडियन में लिखेंगे, तो 60 डिग्री को मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, पाई बाय 3 लिख सकती हूँ, पाई बाय 4 होगा ना, पाई बाय 3, हाँ पाई बाय 3, ठीक है, पाई बाय 3, तो ये पाई और जो बाय 3 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वी नो दैट पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 या 3.14, हम 22/7 ही लेंगे, तो 37.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 22/7, आप इसको मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट जो भी करना है करेंगे, तो 35.7 सेंटीमीटर आंसर आएगा, दैट मींस दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। कुछ नहीं करना, जस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है और उसकी वैल्यू पुट कर देना है, थीटा की वैल्यू हमेशा पाई के टर्म में लिखेंगे और बस कैलकुलेट कर देना, इससे आपको एक नंबर मिल जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है जी। एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैं देखती हूँ, ये आपके पेपर 2019 में आया है, आप एक बार अपना वो देखिए, जो मैंने सेकंड सीट भेजी है ना उसमें सेकंड वन क्वेश्चन जो है वो यही क्वेश्चन है। ये थोड़ा आपका टफ है क्योंकि आपको जो थीटा की वैल्यू है ना उसको आपको डिग्री और रेडियन में चेंज करना है। कल जो मैंने आपको डिग्री और रेडियन बताया था वो क्लियर था या एक बार और बताऊं? क्लियर है। तो आप ये वाला 2019 वाला सम बना कर दिखाएं। क्वेश्चन टू, इसको आपने देख लिया जी? हाँ, ये जो आपका है ना, द लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 60 सेंटीमीटर, द एंगल थ्रू विच इट स्विंग्स व्हेन इट स्विंग्स When its tip describe an arc of length जो है वो है length of pendulum, that means वो radius given है और arc of length मतलब L given है, आपको theta angle निकालना है, ठीक है, the angle through which क्या angle होगा उसका, और ये सारे option है 15 degree 30 minute, 15 degree 45 minute, 16 degree 15 minute, तो आप degree में मुझे निकाल के बता दीजिए, मैं फिर आपको convert करने के लिए बता दूंगी जी। 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया है आपका 21 में भी, आपका ये क्वेश्चन आया, मैं 21 वाला क्वेश्चन आपको लिख देती हूँ, आप तब तक तो
वन आई है 2019 में. मतलब ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इससे ट्रिग्नोमेट्री में आएंगी तो ये क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर. कुछ पूछ सकते हैं अगर डाउट है तो. नहीं तो इसमें कैलकुलेशन बस कर रहा हूं मैं. हाँ, तो थीटा का वैल्यू डिग्री में लाना है ना. हाँ डिग्री में ले आइए, फिर मैं उसको कन्वर्ट कर दूंगी, बता दूंगी मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि आंसर में ऑप्शन आपके मिनट में है, वो टोटल डिग्री में नहीं है. जो आंसर आएगा ना वो डिग्री में आएगा. थीटा इक्वल टू एल बाई आर अगर है तो लेकिन सेंटीमीटर में आएगा ना. थीटा को हमें डिग्री में लाने के लिए कैसे करेंगे? देखिए थीटा की जो वैल्यू है ना वो एल बाई आर है, दैट मींस ये जो वैल्यू निकलेगी ना वो सारा एंगल में निकलेगा. हम थीटा की वैल्यू निकले ना, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, वही आ रहा 16.5 डिवाइडेड बाय 60 आ रहा है. 16.5 डिवाइडेड बाय 60, ठीक है. और आपका क्या नाम है इसको, ये जो है कहाँ गया, हाँ चलिए ना करिए, तो इसको करिए ना कैलकुलेट करिए. अब ये जो वैल्यू है थीटा को मैंने, याद कीजिए कि थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा, याद कीजिए मेरा अगर एंगल 60 डिग्री होता था तो मैं उसको पाई बाई 3 लिखती थी ना, दैट मींस मुझे रेडियन में लिखना है. तो ये जो भी नंबर आएगा उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री बाय पाई करना होगा थीटा की वैल्यू, ये भी लिखना होगा आपको साथ में. 180 by pi. 180 degree by pi. 1 degree. ये 1 degree का था. हाँ. 1 degree. 1 degree तो pi by 180 होता है ना? नहीं 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 नहीं. मैं बोल रही हूँ. हाँ. 180 degree is equal to pi radian. Pi radian. ठीक है. तो मुझे रेडियन में, 1 radian में जो भी थीटा आएगा मुझे रेडियन में लाना है ना, मतलब पाई वाले वैल्यू में लाना है. तो मुझे 180 डिग्री बाय पाई करना है. एक सेकंड मैम, एक सेकंड वेट कीजिए. कुछ क्वेश्चन हाँ जी मैम, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन. 180 डिग्री बाय पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन. तो अभी जो थीटा का वैल्यू है, थीटा तो डिग्री में आ गया. ये डिग्री में होगा, मैंने कल बताया था आपको, अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये ऊपर डिग्री लिखिए, अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऊपर पाई लिखिए. तो ये डिग्री में आ गया. देन अगेन जो आंसर आएगा, मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं, रेडियन जो है वो सेंटीमीटर में डिफाइन होता है, रेडियन का यूनिट क्या है? रेडियन जो होता है वो बेसिकली है क्या, अगर मैं इस रेडियस में, यहाँ जो रेडियस है जितनी लेंथ है उतनी ही लेंथ मैं यहाँ पे चलूं और उसके बाद ये जो पॉइंट पे पहुंचू, दैट मीन्स ये भी आर होगा, तो ये जो एंगल बनेगा वो है रेडियन. वो क्या है? रेडियन. हाँ, ये एंगल जो बनेगा ना, जितना भी किसी भी सर्कल का, किसी भी लेंथ का सर्कल ले लीजिए, जितना उसका रेडियस है उतना ही उसका आर्क ऑफ लेंथ होगा ना, तो जो एंगल बनेगा इन दोनों रेडियस के बीच में वो है 1 radian. और रेडियन जो है वो कितने के बराबर है, 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन के बराबर है, पाई रेडियन के बराबर. मैंने क्या बोला, जो रेडियस है जितना भी रेडियस है उतना ही अगर हम आर्क लेंथ लेते हैं तो हमारा
वो जो एंगल निकलेगा वो रेडियन के बराबर होगा, ठीक है। हाँ एक मिनट मैम, थोड़ा सा मैं इसको प्रोसेस कर रहा हूँ। हाँ जो तो थीटा है वो डिग्री में, हम थीटा रेडियन जो है वो डिग्री में बताया जाता है कि लेंथ में दिखाया जाता है? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको अगर हम 180 डिग्री बाय, एक मिनट मैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि रेडियन का यूनिट क्या है, क्या वो मीटर या सेंटीमीटर है या फिर वो डिग्री है? ये जो एंगल बना ना, वही जैसे ये डिग्री है ना, वही एंगल जो है वो रेडियन में मेजर कर रहा है। आप रेडियन को अलग ना समझें, ये जैसे मैं 180 डिग्री लिख रही हूँ ना, तो ये डिग्री है, तो आप बोलोगे डिग्री अलग है और 180 डिग्री क्या है। नहीं, ये जो पाई जो बना ना, जो एंगल जो इनके बीच में, जब मैं रेडियस कहलाऊंग आर्क लेंथ चली ना, तो जो भी एंगल बना ना वो रेडियन है, रेडियन डिग्री में आता है, मतलब सॉरी मतलब रेडियन में आता है। जैसे हम किसी चीज को डिग्री में कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही अगर मैं इस तरह से कैलकुलेट करूं कि जितना आर्क लेंथ है उतना मैं चलूं, तो वो बन जाएगा रेडियन। ठीक है, तो जब मान लीजिए कि ये मुझे, एक एंगल मेजर करने का डिफरेंट यूनिट है, ये एंगल मेजर करने का, जैसे डिग्री एक यूनिट है, सिमिलरली रेडियन एक एंगल मेजर करने का यूनिट है। क्लियर हो गया, तो अगर मान लीजिए कि मुझे थीटा को डिग्री में अगर कन्वर्ट करना है, अच्छा तो आप मैं, देखिए ना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री मैं इस पे जाऊंगी, तो ये 180 डिग्री है और ये पाई 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 भी तो हुआ वही ना, सेम पाई को जो हम लेते हैं, हम्म, पाई तो 180 डिग्री के बराबर ही लेते हैं ना, जी हमेशा लेते थे ना एंगल में, तो वही है, ठीक है। हाँ बोलिए, आप क्या बोल रहे थे, अब आपकी बात। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मुझे थीटा को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो उसको मैं 180 डिग्री बाई पाई से डिवाइड, मतलब मल्टीप्लाई करता हूँ, वही है ना? हाँ मैं बताती हूँ, अगर मान लीजिए आपका कोई एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, आपको इसको रेडियन में चेंज करना, दैट मींस पाई बाय 180 कर दीजिए, तो ये रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। जो इसकी यूनिट आएगी ना वो रेडियन में आएगी, जैसे ये कितना हो गया, 5 से कट करिए, 5 9 जा, 5/4 हो गया। यानी 9 पाई बाय 36 ये रेडियन है, 5/4 हुआ ना, ठीक है। और अगर मान, हाँ 5/4। हाँ हाँ 5 पाई बाय 4 भी हो सकते हैं, हाँ फर्दर भी कट सकता है, तो पाई बाय 4 रेडियन, ठीक है, कि पाई बाय 4 रेडियन में चेंज होगा। तो अगर मान लीजिए कोई एंगल है डिग्री में, उसको रेडियन में चेंज करना है, मतलब पाई को ऊपर रख दीजिए, और अगर मान लीजिए कि कोई 2 पाई है, इसको आपको डिग्री में चेंज करना है, तो 180 डिग्री को ऊपर रखिए और पाई को नीचे रखिए, तो देखिए 2 पाई इज इक्वल टू 360 है, आ ही रहा है, पाई पाई कैंसल हो गया, 2 इज इक्वल टू 360, 2 इंटू 180 360, ठीक है। सिंपल जी कुछ नहीं करना है, अगर आपको रेडियन, बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि पाई ऊपर रखें या 180 ऊपर रखें, तो जिसमें जिसको कन्वर्ट करना है उसको ऊपर रखिए, क्लियर हुआ, जी इसको रब कर दूं। हाँ, उसको आप रख कर दीजिए। बस आपके यही दो टाइप के सम्स हैं, ये आपके 22 में पूछे गए, बाकी पीछे कभी नहीं पूछे गए, पीछे शायद 19 में ये थीटा इज इक्वल टू 12, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए मैंने लिखा भी नहीं, लिख ही रही थी अभी, ये आप बनाइए, इसका डिग्री में वैल्यू निकालिए, जी निकाल रहा ये हूँ। 2019 का क्वेश्चन है जो मैं लिख रही हूँ, नहीं 21 का क्वेश्चन है, 21 का, ये जो मैं लिख, जो आपको बनाने के लिए दिया वो 19 का क्वेश्चन था, हाँ वो 19 का क्वेश्चन है जो आपको बनाने के लिए दिया, और ये जो मैं लिख रही हूँ वो 2021 का क्वेश्चन है, मतलब ये तो और इजी कर दिया आपको, ये तो आप तुरंत बना लेंगे। द लेंथ ऑफ आ फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री एंड रेडियस
of circle is 28 degree, is 28 centimeter. Iska option hai 11, 22, 33, 44. ये आपसे बन गया या मैं बनाऊं ये वाला 19 वाला क्वेश्चन? एक मिनट मैम, उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ. कर लीजिए. लास्ट मेरे को ये है 165 इनटू 21 डिवाइडेड बाय 220. देखिए आपका लास्ट में ना कटकुट 63 बाय 4 आएगा. कैसे देखिए, ये हम करते हैं ना, इसको कैंसिल करते हैं, थ्री जा, और ये पाई की वैल्यू ना 22/7 में लिख रही हूँ, आपने लिख लिया होगा शायद. हाँ मैं वही 165 × 21/220 पे पहुंचा हूँ. हाँ 22 × 7. अब ये देखिए 11 टाइम्स में कट जाएगा, 11 × 1 = 11, 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 7, और ये 15 हो गया, तो ये बन जाएगा 5 × 2 = 5, 3 = 5. अब ये 63/4 आ गया. 63/4 जो है वो डिग्री में आ गया. अब आप इसको रेडियन, ये बहुत अच्छे से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, यही है मेन. 63/4 डिग्री है, हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते एग्जाम में. आपका एग्जाम में अगर आप डिवाइड करोगे ना, तो आपका आएगा 4 से 63 को कीजिए तो क्या होगा, 4 × 4 = 4, 2 × 3 = 4, 5 = 20, 3.0, 4 × 7 = 28, 2 × 4 = 5. ठीक है, अब आप देखिए इसको आपने डेसिमल में डिवाइड पाया 15.75 डिग्री. अब एक बात याद कीजिए कि 1 kg 1.250 या 1.2 केजी क्या लिखेंगे, एक मिनट, 1.2 केजी को मैं क्या लिखती थी, 1 kg 200 g. ठीक है, यही होता था ना. सिमिलरली 15.75 को 15 डिग्री तो लिख लिया, अब 0.75 डिग्री को मुझे मिनट में चेंज करना, क्योंकि डिग्री से नीचे क्या आता था, मिनट. ठीक है ना, डिग्री के नीचे क्या आएगा, मिनट. मैंने कल सिखाया था आपको कि एक एक प्रोटेक्टर होता है, उसमें जो एंगल्स होते हैं ना, ये वाला 90 डिग्री होता है, ये 30, 20, 30. ठीक है, तो ये डिग्री में होता है. अगर मैं डिग्री को, एक डिग्री को, यहाँ पे एक डिग्री है, उसको 60 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, तो 1 degree = 60 minutes होता है. ठीक है, 60 minutes. ये शायद उन्होंने वॉच को देख के किया होगा कि अगर मान लीजिए कि एक डिग्री वो घूमता है, उसको 60 डिवीजन में डिवाइड कर दिया, तो 1 degree = 60 minutes, और 1 minute = 60 seconds. अब क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है, उसमें हम लोग इतना छोटा मतलब डिग्री हम नहीं लेते जनरली, तो बच्चे हैं कि मैम इसका क्या यूज है, हम लोगों को तो यूज ही नहीं है इसका कभी, मतलब इतना क्या जरूरत है करने का. 1 degree = 60 minutes, मतलब 1 degree को भी मैं और छोटी छोटे, 1 degree से भी तो छोटा हो सकता है ना कोई एंगल, बहुत छोटा, तो उस छोटे एंगल को हम कैसे मेजर करेंगे, तो 1 degree = 60 minutes, और 1 minute जो आएगा, जो 1 degree को आपने 60 डिवीजन में डिवाइड किया ना, उसका एक डिवीजन को आप फिर फर्दर 60 में डिवाइड कीजिए, तो वो 60 सेकेंड के बराबर होगा. जी ठीक है. ठीक है, यहाँ तक जैसे आप वॉच में भी देखते होंगे, वॉच में क्या होता था, जब एक बार वो रोटेशन करता था तो 1 मिनट के बराबर होता था, और उसमें भी 60 डिवीजन होते थे ना सेकेंड का, होता था ना. सिमिलरली ये बस की तरह है, इसका प्रैक्टिकल लाइफ रॉकेट वगैरह में यूज होता है. जब आप रॉकेट साइंस या जो एस्ट्रोनॉट्स बनते हैं ना, तो क्या होता है कि जब आप लॉन्च करते हैं अपना रॉकेट, तो उसका एक डिग्री का भी डायरेक्शन अगर चेंज हुआ ना, तो आप समझिए कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से, हमें कहाँ लिख रही हूँ,
मैंने अगर यहाँ से एक डिग्री भी चेंज करती है तो आगे जाके एंगल कितना बड़ा हो जाता है, देखते हैं ना। अगर मैं 30 डिग्री लेती हूँ तो ये एंगल इतना छोटा है, 60 डिग्री लेती हूँ तो ये यहाँ चला जाता है। सिमिलरली आप सोचिए, अगर अर्थ से मैंने थोड़ा भी डिग्री ऊपर नीचे किया, एक मिनिमम माइक्रोस्कोपिक डिग्री भी ऊपर नीचे किया, तो जिस प्लैनेट में जाना है वहां रॉकेट ना पहुंच के कहीं और पहुंच जाएगा। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। गुड गुड गुड। तो हमें मंगल ग्रह जाना है, तो सोचिए कि साइंटिस्ट को कितने माइक्रोस्कोपिक डिग्री को लेके फर्दर कितने डिवीजन करने पड़ते होंगे कि उन लोगों को बिल्कुल मंगल पे बोला तो मंगल पे ही उतरना है, यहाँ पे उतनी डिग्री लेनी है, कितनी छोटी डिग्री लेके, मतलब उनका मेजरमेंट कैसा होता होगा कि हमें इस साइट से जाना है तो हम इस ग्रह में पहुंचेंगे, है ना। समझ रहे हैं ना, थोड़ी सी डिग्री चेंज करने से कहां पहुंचा। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को वहां पे डिफाइन करना डिग्री में। हाँ, वो तो दिखाया जा रहा है, लेकिन जब हम लॉन्च करते हैं, आखिर ये तो लॉन्च तो यहाँ से हो रहा है ना, तो हमें तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में भी डिग्री में करना होगा ना, कि वही लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में ही हमारा पहुंचे। तो उसके लिए भी तो आपको यहाँ से लॉन्च करने का देखना पड़ेगा ना कि प्लस वो टाइमिंग भी सेट करना पड़ता है। टाइमिंग तो है, तो अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो हमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो ये जो डिग्री वगैरह है वो वहाँ काम आता है कि अगर मान लीजिए 12 में बच्चे को हम पढ़ाता नहीं कौन एस्ट्रोनॉट्स बनना चाहे, तो ये हम उन्हें पढ़ा देते हैं। तो ये सबको जानना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे 450 में कैसे चेंज करूँ। तो 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 0.75 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो ये आपका आएगा 4500, दो डेसिमल के बाद है, तो ये हो गया और ये मिनट में चेंज हो गया, यानी 15 degree 45 minutes, ये आपकी वैल्यू। और ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट है 15 degree 45 minutes, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। तो आपको कभी भी आंसर डेसिमल में रख के छोड़ना नहीं है कि डेसिमल में तो आ गया मेरा, आप क्यों नहीं आंसर मिल रहा ऑप्शन से। हमेशा एग्जाम में कभी भी डेसिमल में आपको डिग्री नहीं पूछेंगे, हमेशा रूल ये है कि आप जो भी नंबर है डेसिमल के लेफ्ट साइड वो तो रहेगा डिग्री में, बाकी जो है उसको मिनट में चेंज कीजिए। ये कैसे मिनट में चेंज हुआ, समझ में आया ये क्वेश्चन, समझ में आया जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया कैसे बना और कैसे हुआ। जी समझ में आ गया। आप ने ये क्वेश्चन उतार लीजिए तो फिर ये वाला क्वेश्चन आप बनाइए, मैं ये रब कर दूंगी, या फिर नेक्स्ट आप बनाइए। मैं 21 में पूछा गया, ये बहुत इजी है। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए ना क्वेश्चन भेज रही हूँ, आप घर में इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, जो नहीं बनेगा वो मुझसे पूछिएगा नेक्स्ट क्लास में, बस इतना ही इनफ है। और अब आपको बस वो वाला करवाना है, एक बार मुझे ना डिवीजन भी सिखा दीजिए, मैं इतना एडवांस चीज सीख रहा हूँ और आपको मैं एक बहुत ही बेसिक चीज पूछ रहा हूँ। ये जो डिवीजन आपने किया ना 0.15.75, हाँ 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 उसमें बस वो बता दूँ, ये तो मैं बेसिक तो मुझे पता है कि वो 15 पे जा रहे हैं, 15 तक तो समझ में आ गया, रिमाइंडर 3 बचा, तो अगर उसमें मुझे फिर पॉइंट पे जाना है तो वहाँ पे मैंने 0 ऐड कर दिया, पॉइंट वहाँ लगा दिया और 0 ऐड कर दिया, तो क्या मैंने एक बार पॉइंट लगा दिया तो मैं बार बार 0 उसमें ऐड कर सकता हूँ, यही है ना। क्लियर, हाँ हाँ 0 कर सकते, लेकिन एक बात है डिवीजन में, एक और बात है कि अगर मान लीजिए आपका कोई एक ऐसा नंबर आ गया, जैसे कि मान लीजिए 4 को डिवाइड करना है 2 से, मतलब सॉरी 2 को डिवाइड करना 4 से, जैसे ये वाला है, ठीक है, आप ऐसे डिवाइड कीजिए, आप ये 2 तो जा नहीं सकता, तो चलिए आप डेसिमल लगाते हैं, तो डेसिमल का मतलब 1 0, तो आप ये 50 कर देंगे, 0.5 4 5 20, ठीक है। अब एक और बताती हूँ मैं, जो बताना चाह रही थी वो आया नहीं, जैसे कि मान लीजिए आपका ये है 2 और ये आ गया 13, हाँ ये 13 ये सही है। अब अगर मान लीजिए आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो कैसे कीजिएगा, 2, ठीक है, आपने एक डेसिमल डाल दिया 0, अब बोलिएगा कि अब मैं फिर एक डेसिमल विदाउट 0, नहीं नहीं कर सकते, आपने डेसिमल का मतलब है आप एक ही 0 डाल सकते हैं,
अब नहीं हो रहा ना, तो आपको अलग से जीरो ऐड करना पड़ेगा, तब ये जीरो डालिए और 13 से जो भी टेबल में आएगा उसको कीजिए, क्योंकि 20 तो 20 हो जाएगा, 20 नहीं, मैं इसको 10 कर देती हूँ, 20 तो हो जाएगा ना, 13 वन जा 13, एक मिनट नहीं हो जो मैं बताना चाह रही थी, एक मिनट अभी बताते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, जैसे देखिए 1/13, ठीक है, 1/13 हुआ तो 13 किया आपने, ये डाला, अब क्या 13 को किसी भी टेबल में कर देंगे तो 10 तो नहीं आएगा ना, 13 वन जा 13, इससे ज्यादा आ जा रहा है, यानी कि हमें और एक जीरो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, समझ रहे मेरी बात को जी? अगर आप वन जा लिखते हैं तो ये तो 13 थी, ये तो ज्यादा हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, वन जा तो जा ही नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे ना, 13 डिवाइड नहीं हो सकता, तो जहां डेसिमल के बाद एक जीरो से काम नहीं चल रहा, देन अगेन हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो लिखना पड़ेगा और तब जीरो डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है, 13 7 91, फिर उसके बाद आपका कितना हुआ, ये हो गया 9, फिर जीरो, फिर उसके बाद वो अब पड़े, अब 9 है तो अब डेसिमल आ गया ना एक बार, तो आप एक जीरो तो बिठा ही सकते हैं, इसको आपको परमिशन है, दो जीरो बिठाने के लिए ना आप डेसिमल के बाद एक और जीरो, जहां पे डायरेक्ट आपको दोनों एक साथ दो जीरो देने हैं, तब आपको डेसिमल के बाद जीरो एक ऐड करना है, लेकिन अगर एक जीरो बिठाना है तो आप डेसिमल डाल के आप एक जीरो बिठा सकते हैं। अब पूछिए क्या पूछिए, एक मिनट मैम, तो मैं वही आ रहा हूँ, तो 13 को अगर 2 को 13 फिर से बताऊं, ये डिवीजन फिर से बताऊं, नहीं नहीं मैं वो समझ गया, मैं अभी 13 को अगर 2 को 13 से डिवाइड करना है तो उसका आंसर आ रहा है 0.105, क्या ये ठीक है? 13 को ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, 2/13 डिवाइडेड बाय 2, 2/13, 2/13, हाँ, तो 13 हो गया, तो ये आ गया, ये डाला, ये 1 टाइम्स 13, ये तो कम आ जा रहा ना, 13 तो ये 7 हो गया, 65, फिर ये हो गया 5, और ये हो गया 0, फिर ये हो गया 3, मैम आपने यहाँ गलती कर ली ना, कैसे आपने जीरो नहीं डाला, 0.105 होगा ना, आपने जीरो ऐड किया ना 7 के बाद, क्यों मुझे 20 तो एक जीरो की परमिशन है ना, मैं यहाँ पे दो जीरो डाल रही हूँ, देखिए एक साथ में दो जीरो डाल रही हूँ, एक जीरो, और ये 13 वन जा 13 तो कर सकते हैं क्योंकि 20 से लेस है, नहीं नहीं आपको मैं कह रहा हूँ 0.1 के बाद जीरो आएगा, 0.105 होगा, नहीं, क्यों करेंगे, मैंने बोला एक जीरो डालने की परमिशन है, एक जीरो तो डाल दिया ना, दो जीरो डालने की परमिशन, एक जीरो तो मैंने ऊपर 20 में डाल दिया, नहीं, अरे बाप रे कंफ्यूज मत होइए, नहीं, ऐसे नहीं होता है, आप उसके बाद उस स्टेप से हट गए ना, उसके बाद फिर आपको एक जीरो डालने की परमिशन हमेशा है, जहां पे लगातार दो जीरो डालना है ना, वहां पे एक एक्स्ट्रा जीरो डालना है, अब ये इस स्टेप से हट गए ना, अब ये 7 आया ना, तो आप इसके बाद फिर एक जीरो डाल सकते हैं, क्योंकि आपने डेसिमल डाल दिया ना, तो आप जीरो डाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी मैं जीरो डाल रही हूँ ना, फिर मैं जीरो डाल रही हूँ, 7 के बाद मैं फिर जीरो डाल रही हूँ, नहीं डाल रही हूँ ना, ये देखिए, बड़ा कंफ्यूजन हो गया, अरे कंफ्यूजन नहीं हुआ, आप फालतू में हॉच पॉच कर, देखिए फिर से देखिए, अच्छे से मैं दिखाती हूँ, अच्छे से साफ करके, मैंने आपको बताया 1/13 के बारे में, ठीक है ना, अच्छे से समझिए, जहाँ डाउट है वहीं पूछिएगा, 13 ये 1, ठीक है, मैंने क्या किया, नहीं है मेरे पास कुछ ऑप्शन, एक तो नहीं हो सकता, तो मैंने एक जीरो डाला, अब भी कम हो रहा है, 13 वन टाइम्स भी करेंगे तो ये इससे कम हो रहा है, तो मुझे डबल जीरो एक साथ डालना है, डबल जीरो एक साथ डालना है, तो मैंने एक जीरो डाल दिया, क्योंकि दो जीरो डालने की परमिशन नहीं है, एक जीरो डाल दिया, अब 13 7 91, अब यहाँ पे 9 बचा, अब यहाँ पे जीरो डाल सकते हैं, क्योंकि अब मैंने डेसिमल डाल दिया ना, आपको एक जीरो डालने की हमेशा परमिशन है, जहां डेसिमल डाला ना वहां पे एक जीरो डालने की हमेशा परमिशन, दो जीरो डालने की परमिशन है, तो आपने फिर एक जीरो डाल दिया, क्योंकि मेरे तो डेसिमल था ही, है ना, ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8 7 1, अब भी नहीं हो रहा, एक जीरो डालने की परमिशन है तो डाल सकते हैं, डालिए, फिर कितना हो जाएगा, फिर ये है, फिर आप एक जीरो डाल सकते हैं, एक जीरो डालने की परमिशन है,
फिर एग्जिट आ सकते हैं। हाँ एक मिनट, 75 और 13, एक मिनट, 75, 78, यहाँ पे 75। एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। तो पहले हमने पॉइंट लिया, तो उसमें हमने 1 को 10 कर दिया, उसमें फिर 100 करना पड़ा, तो इसमें हमने 0 ऐड कर दिया, तो 13 इंटू 7 इज 91, तो उसके बाद बचा 9। तो एक बार क्योंकि हमने डेसिमल ले लिया है पॉइंट, इसलिए हम यहाँ पे भी हम 0 ऐड कर सकते हैं। फिर हमने 13 इंटू 6 किया, जो 78 आता है, तो बचा 12। 12 तो हो नहीं सकता, तो पॉइंट हमने पहले से ले रखा है, इसलिए और 0 ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी हमने 0 किया, 120 कर दिया, तो 117 आया, विच इज इंटू 9। फिर उसमें 3 बचा, फिर हमने 0 डाला, फिर इंटू 2, 13 इंटू 2 इज 26 होता है, तो वहाँ पे 92 हो गया। फिर 4 बचा, फिर 0 डाला। तो एक बार अगर हमने डेसिमल ले लिया है तो अलग अलग 0 डालने की हमेशा परमिशन है, हर स्टेप पे हम 1-0 डाल सकते हैं, लेकिन अगर 2-0 डालना पड़ गया तो हमको 1-0 वहां पर आ गया। अब आ गया आपका, फिर से आ गया। अब देखिए 1 है, ठीक है, अब मैंने 1-0 डाला, नहीं काम चल रहा, देन अगेन मुझे यहां पे 1-0 डालना पड़ेगा। अब ये आ गया, अब फिर आप 13 सेकंड ये करेंगे। अच्छा एक और बात, अब मजा आएगा इसमें, देखिए क्या, ये देखिए, फिर 1-0 डाला, फिर ये आ गया 6 टाइम। अब पता है ये कौन सा नंबर है, ये किस टाइप का नंबर है, 1/13। ये रैशनल नंबर तो है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, बट ये ना रिपीटिंग है। आप देखिए, आप सब चीजें फिर से रिपीट होते जाएंगे, फिर 0 आएगा, फिर 7, 6, मतलब ये कौन सा डे, ये आ गया पता है कौन सा, इरेशनल नंबर, मतलब एंडलेस नंबर। हाँ इरेशनल नंबर। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि मैम ये तो पी बाई क्यू फॉर्म में है, तो इसको इरेशनल नंबर क्यों होते हैं, कौन सा नंबर इरेशनल नंबर। इस टाइप के नंबर जो होते हैं वो इरेशनल नंबर, जो एक सर्टेन टर्म के बाद फिर से रिपीट होंगे, फिर से रिपीट होंगे, फिर से रिपीट होंगे, एंडलेस नंबर। ठीक है जी, बहुत अच्छा एग्जांपल है, दो दो टॉपिक क्लियर हो गए। चलिए अब पीछे जाएं, ये क्लियर हो गया ना आपको, जीरो और डेसिमल वाला जी। अब ये आप बनाइए, ये वाला 2021 का क्वेश्चन, ये बहुत इजी है। 45 को रेडियन, दैट मींस पाई बाय 4 में चेंज करके इसकी वैल्यू निकालनी है, आर्क ऑफ लेंथ निकाल के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये नहीं मैं बताऊंगी आपको, बस इतना ही पढ़ना था आपको ट्रिग्नोमेट्री में। एक तो वो वाला जो आपको होता है ना, पोल है, एंगल बना रहे हैं, एरोप्लेन है, वही बस वही ट्रिग्नोमेट्री। आज मैंने आपको पिक नहीं भेजा ना, ये सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो आंसर होगा 22। हाँ बी ऑप्शन है ना, ऑप्शन बी जी, ठीक है, 22 आंसर है, ठीक है। अब आपको ना एक, मैंने एक पिक भेजा है 2021 में, जो फर्स्ट पेज भेजा है 2021 का, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, ये मुझे लगता है आपसे बन जाएगा। अच्छा ये तो मैंने बनाया है ना, शायद हम लोगों ने क्लास में किया है ना। कौन सा वाला मैम, 2021 का सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया है ना, एक बार पढ़ लीजिए आप, मैंने जो पिक भेजा है आपको, जो 10 इयर्स के क्वेश्चन का पिक भेजा था। हाँ जी ये वाला हमने किया था। हाँ ये किया ना,
इसी टाइप का सिमिलर एक क्वेश्चन देखिए 2019 में आपका लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा है इसे मैं लिख नहीं रही हूँ, आप पिक में देखिए। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट 300 मीटर, ये एक बार ट्राई कीजिए तो। अभी करूं? हाँ अभी कीजिए। ओके बाकी मैं देखूंगी, अगर 2014-12 वाला क्वेश्चन खुलेगा ना उसको कुछ वो आप सब बना लीजिए, फिर भी अगर खुलेगा तो मैं देख लूंगी और कुछ रहेगा। और साथ ही ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चंस मैं आपको भेज दूंगी कि किस किस टाइप के मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो सब प्रैक्टिस करना। अच्छा आपको पेंडुलन वाला नहीं बताया ना, ये क्वेश्चन छोड़ दें, ये क्वेश्चन आप घर में बना लीजिएगा ठीक है। अब मैं आपको पेंडुलन वाला बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं? एक मिनट मैम जरा बस ये वाले का फिगर ड्रॉ कर लेते हैं बस। हाँ फिगर ड्रॉ कर लीजिए और आप मुझे पिक भेजिए आपने सही फिगर बनाया कि जी। आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में मैंने देखा था, मतलब वो जो आपकी बुक है ना उसमें देखा, पर आया नहीं इस तरह का क्वेश्चन एक भी आपके पेपर में, फिर भी मैं करा देती हूँ। कल आपको क्लास लेनी है? कल थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, कल कुछ लंबे मीटिंग था मेरा। हाँ ठीक है, आप मुझे ना मीटिंग मतलब सॉरी कंफर्म करके मतलब 2-3 घंटे पहले बताइएगा जी, ताकि मैं अपना क्लास पहले से रीशेड्यूल कर लूँ तो मेरी छुट्टी जल्दी हो जाएगी। मैंने पिक भेजा आपको, भेज दी आपने? एक मिनट में देखती हूँ, मैं देखती हूँ समय, मैं आपको बता दूँ, आप जब तक सोचोगे ना तब मैं ये थोड़ा सा कर लूँ ठीक है। आपको बतानी है कि फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड, दिस वन इज आवर हैंड एंड दिस वन इज मिनट हैंड, थोड़ा छोटा बनना चाहिए था, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा ये आपको निकालना है ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम करते हैं कि अगर मान लीजिए ये वॉच है 12, 6, 3, 9, 1, 2, बाकी मैं नहीं लिख रही हूँ, तो मेरा अगर इस तरह है तो 1 डिग्री का एंगल मैं निकाल लूंगी तो बहुत सारा हेल्पफुल हो जाएगा मुझे कि अगर मान लीजिए मिनट और आवर के हैंड में अगर 1 यूनिट का डिस्टेंस मतलब 1 और 2 आवर है हर एक कंसेक्यूटिव है ना, इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है तो उसको मैं कर लूंगी। तो पूरा एंगल कितना बन रहा है, पूरा अगर ये पूरा एंगल बनाना चाहे तो ये पूरा एंगल कितने का है, 360 का है, और डिविजन्स कितने हैं, 12 डिविजन, दैट मीन्स हर एक एंगल कितना का बनेगा, 30 डिग्री का एंगल बनेगा। ये देखिए ये 30, ये 6, 30, ये 30, ये 30, सबको जोड़ेंगे तो टोटल 360 बनेगा, बनेगा ना, ये समझ में आ रहा है ना आपको जी। और मेरा जो अब ये तो बना मेरा मिनट हैंड का और आर हैंड का,
आर्म हैंड जो है वो 60 मिनट में कितना एंगल बनाता है, 60 यानी एक मिनट में कितना एंगल बनाता है? एक मिनट थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। तो ये जो मान लीजिए कि हमें मतलब अगर मैं इसको ऐसा देखूं कि 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 वक्त अगर मैं कर रहा हूं तो 30 कैसे आ रहा है, एक बार आप दोबारा बताएंगे? 30 डिग्री है ना, ये मैं ये बता दूं, देखिए इसको मैं रब करती हूं और फिर से समझाती हूं। तो उसको हमने 3 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 12 और 1 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री का, यही है ना? यानी कि एक घंटे का एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। Yes. ठीक है, ये क्लियर हो गया। एक घंटे का एंगल 30 डिग्री। अब मेरा क्या है कि अगर 60 मिनट है, एक मिनट में मान लीजिए मेरा 720 है, आप बोलोगे कि ठीक है 20 डिग्री एंगल बन रहा है, तो चलिए भाई इसमें एक घंटे का एंगल कितना हुआ 30, तो 30, 60 और 30 90 डिग्री एंगल बनेगा। यही मतलब हुआ ना, इन दोनों के इन 720 के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा, यही हुआ ना? एक घंटे के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसमें कितना गैप है? इसमें गैप है 1, 2 और 3, यानी ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है जी। लेकिन आप वॉच में देखेंगे कि जब हमारा 720 बजता है तो मिनट का मतलब ये घंटा वाला थोड़ा सा आगे खिसक जाता है ना 7 के आगे। अच्छा, थोड़ा सा होता है ना 7 पास्ट 20, तो कुछ मिनट तो आगे वो बढ़ जाता है ना, तो वो कितना मिनट आगे बढ़ा वो भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना एंगल में। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि 60 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, आपने बोला कि मिनट वाला जो हैंड है वो 60 मिनट में एक मिनट में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है जी, 30 डिग्री का एंगल बना रहा, तो हमारा यहाँ एंगल कितना है, मिनट वाला हैंड कितना आगे बढ़ा है, 1, 2, 3, 4 मिनट, मतलब 20 मिनट आगे बढ़ गया। तो 20 मिनट में कितना एंगल बनाएगा, तो 30/60 × 20। ये कैसे हुआ, ये मैं थोड़ा शॉर्टकट भाग गई आपको समझा, आपने वो पढ़ा होगा ना ये डॉट वाला नियम, बढ़िया समझाती है। नहीं नहीं समझ में आ गया, सिंस ये वाला सिंस समझ में आ गया, वो मुझे पता है मिनट, अच्छा अच्छा वो समझ में आ गया, 30/60 हो गया, तो 1 मिनट में बनेगा 30/60, इसलिए 20 मिनट बनेगा 30/60 × 20, यानी कितना बना 32 और 2 10, यानी 10 डिग्री और ज्यादा बढ़ गया, तो यानी 90+10 डिग्री यानी 100 डिग्री का एंगल बनेगा इन दोनों के बीच में। समझ में आया? बहुत ही मतलब दिमाग लगाने वाला सवाल है ये। ये दिमाग लगाने वाला सवाल है। मतलब आदमी सोचे कि नहीं 720 है तो एंगल तो 90 डिग्री बन रहा है बस हो गया, लेकिन आगे भी तो बढ़ा, यानी कि हमें पर मिनट का एंगल हमारे पास ऐड करना पड़ेगा। देखिए देश की सुरक्षा हम ऐसे ऐरे गेरे किसी हाथ में थोड़ी देंगे भाई। बात है, थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, बात उसमें कुछ दिमाग रहना चाहिए, कहाँ क्या करना है, ऐसा थोड़े होता है। 5-10 में आप बताइए कि कितना एंगल बन, अभी बता रहा हूँ और ये जो एंगल बनेगा वो आप मुझे डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करके बताएंगे। एक मिनट, पहले आप डिग्री बता दीजिए उसके बाद रेडियन में।
अब नेक्स्ट वाली क्लास है ना, हम एप्लीकेशन पर ध्यान देंगे, बस हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म, सारे एप्लीकेशंस पे मारेंगे। मैं आपका फिगर देख लूं क्या बनाया आपने। नाइन्टी फाइव डिग्री ना, आप उसको रेडियन में कन्वर्ट करके बताइए। हाँ सही है ना, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं आप। I by 180 होगा ना, मतलब हाँ पाई बाय 180। नहीं नहीं मैं ये बता रही थी एरोप्लेन वाला, वो बना रख सकते हैं आप, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एरोप्लेन वाला वो ठीक है ना, फिगर बिल्कुल सही है। ठीक है उसको मैं बना लूंगा, मैं बना के आपको दिखा। आपको ना मैं 12 का क्वेश्चन बताती हूँ कैसा आया था, चलिए बनाइए उसके बाद दिखाती हूँ। हंसी आएगी आपको क्वेश्चन देख के। जी ट्रिग्नोमेट्री का ये सम था, थोड़ा सा ख्वाब आपको पहले देखना चाहिए। वही है कि मैंने 2012 में इसका पहला एग्जाम दिया था, उसके बाद से फिर मुझे मौका मिला नहीं। 2012 का क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, 2012 का क्वेश्चन दे रही हूँ मैं। हाँ 2012 में मैंने उस टाइम पे भी मैथ छोड़ के आया था। जब भी आपको रेडियन में बोले ना पाई को रहने दीजिए। अच्छा डिग्री में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डिग्री में पाई नहीं आ सकता ना, रेडियन में पाई आ सकता है ना। बारिश हुई है लेकिन ना बहुत तेज वाली बारिश नहीं हुई है, ये और बेकार होती है धीमी बारिश, ट्रैफिक जाम हो जाता है, फालतू गर्मी आ गई है। तो आज हमारा मैच था गया था पानी में। पॉइंट फाइव टू मैं बता रहा हूँ आंसर एग्जैक्ट। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए 95 डिग्री आया ना, तो 95 डिग्री और ये आपका क्या बनेगा पाई बाय 0.527 आ रहा है, 0.527 0.527 पाई। नहीं, हाँ आप वैसे मत कीजिए,
आप इसको कीजिए 5 से क्या होगा 19 टाइम्स और 5 से कितना होगा 36 यानी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए आपका ऑप्शन में यही देंगे ठीक है इस्तेमाल में चेंज नहीं करेंगे पाई के साथ है ना फ्रैक्शन भी रहता है मैं वही सोच रही थी इतना टाइम कैसे लग गया यही रहता है यही ऑप्शन में मिलेंगे आपको कभी भी पाई के साथ डेसिमल नहीं करते जो फ्रैक्शन में है वो फ्रैक्शन में रहने देते हैं मतलब जो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन जो मतलब अब फर्दर डिवाइड नहीं हो सके अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता ना 19 और 36 तो बस ऐसे ही छोड़ देना है और यही आपके ऑप्शन में रहेंगे ठीक okay. है यहाँ तक क्लियर है तो एक स्टैंडर्ड हमारे को भी ये एक स्टैंडर्ड हमें पता चल गया अगर क्लॉक वाला आता है उसका तो एक घंटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 30 मिनट हाँ 30 डिग्री हो जाता है और अगर मुझे 10 मिनट्स का करना है यानी कि 10 मिनट इज इक्वल टू 5 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 10 डिग्री और याद रखना एक घंटा 30 डिग्री और 1 मिनट जो है मिनट का वो है ठीक है 0.5 डिग्री होता है 1 मिनट क्या क्या 1 मिनट इक्वल टू 0.5 डिग्री वन मिनट इज इक्वल टू 0.5 डिग्री मतलब आपका 60 मिनट जो है वो आपका 30 ले रहे हैं 5 मिनट इज इक्वल टू 2.5 डिग्री 10 मिनट इज इक्वल टू 5 डिग्री 20 मिनट इज इक्वल टू 10 डिग्री ठीक है ऐसे याद रखना ठीक है और आपको इतना कैलकुलेशन करने का अगर आपको ये चीजें याद है तो आप तो देखते ही बता देगा कितना डिग्री बन रहा है तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है ना राइट ये क्वेश्चन मे बी इस बार आ सकता है ना बाकी आया नहीं आपका कभी इस तरह लेकिन मैंने बताया आया है आपका थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर जो मैंने बताया था ना एंगल रहता है आर्क लेंथ दी रहती है रेडियस दी रहती है ये आपका आया है 2021 में आया है आपका ये वाला सवाल तो वो आया ये वाला आपका 12 में आया ये बताइए कौन सा सही होगा आंसर इनवर्स ऑफ साइन ए ऑप्शन देखिए समझ में आएगा कौन से के बस हो गया आपको एक नंबर मिल गया ये तो 2012 का है 2012 में तो बहुत सिंपल था ये हाँ 2019 में भी थोड़ा टफ किया है 21 में भी ठीक है देखिए मैंने जिस तरह पैटर्न देखा क्वेश्चन का मुझे जहाँ तक फील हुआ कि अगर आपको नंबर सिस्टम में आपको टफ देते हैं तो अदर टॉपिक में वो इजी कर देते हैं ठीक है और अगर मान लीजिए आपको ट्रिग्नोमेट्री में टफ मतलब नंबर सिस्टम में टफ दे रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री इजी कर देंगे मतलब ऐसा नहीं कि सारा टफ पेपर आएगा सब मिला जुला के पेपर आता है तो हमने तो सब कर लिया है ना तो आप ये कर लीजिएगा मैंने जो आपको 2021 दिया आप एक बार फिर भी अपने से बना लीजिएगा ये पेपर के क्वेश्चन है जैसे आपने सैंपल पेपर किया था ना तो वो आपके कितने हेल्पफुल हुए थे वैसे ही आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन मैं बना पा रहा हूँ कि नहीं सिमिलर के क्वेश्चन मैंने भेजे हैं आपको एरोप्लेन वाले वो बना लीजिएगा और मैंने वो भी भेजे हैं आपको बुक वाले वो तो आप कर ही लीजिए क्योंकि वो लोग एनसीईआरटी से पूछ रहे हैं तो वो तो आप कर ही लीजिए ठीक है जी आप एक काम कीजिएगा ना मुझे ना अभी तक के जितने भी क्लास हुए हैं वो सबका एक बार फिर से भेज दीजिए आप क्लास 1, 2, 3, 4, 5 करके ना क्योंकि पहले वाले मेरे फोन पे डाउनलोड हो नहीं पा रहे नहीं आप स्क्रॉल कीजिए मेरे व्हाट्सएप में तो आपका सारा कुछ दिया हुआ है फर्दर फिर से भेज दूंगी एक बार दोबारा भेज दीजिएगा क्योंकि मैं दोबारा डाउनलोड कर नहीं पा रहा था पहले वाले कुछ ठीक है एक स्पीड में आप भेज दीजिएगा ताकि मैं उसको डाउनलोड कर लूंगा एक बार मैं फोल्डर में डाल दूंगा ताकि उसको मैं रिवाइज कर ठीक है टोटल 18 क्लासेस हुई है जिसमें आपके नंबर सिस्टम रैशनल नंबर एक्सपोनेंट्स ट्रिग्नोमेट्री और आपका रैशनल नंबर ये सारा कर लिया आपने सिलेबस में अब बचा है प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज मेंसुरेशन और जियोमेट्री मेंसुरेशन में ही आता है टाइम एंड वर्क सिंपल कंपाउंड और इंटरेस्ट वही परसेंटेज में ही आएगा यही सब बचा है बस ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये नोन टॉपिक है
जो अननोन टॉपिक था वो आपका हो गया। मेंसुरेशन है जो अननोन है थोड़ा सा। मेंसुरेशन में आपको ज्यादा टफ नहीं पूछ रहे हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड ये पूछ रहे हैं, और वो फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ घुमा के पूछ रहे हैं, सब फॉर्मूला पे बेस्ड है, बस आप फॉर्मूला में पुट कीजिए और उसकी वैल्यू निकालिए। वही सर्कल भी होगा ना, सर्कल भी तो सीखना। सर्कल, सर्कल मेंसुरेशन में ही आएगा आपको, ट्रायंगल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्यूब, क्यूबॉइड, ट्रेपीजियम, ये सारे उसी में आएंगे। ठीक है, तो पहले वही कर ले क्या, इसके बाद वही टच कर ले, क्योंकि एक क्लास लगेगी इसके बाद मेंसुरेशन कर लेते हैं तो क्या होगा। मैं 15 से छुट्टी पे रहूं जी, 15th मई से एक दो दिन डिस्टर्ब हो सकता है, मैं बाहर जा रही हूं एक महीने के लिए, तो वहां पे मतलब मैं लैपटॉप में मोबाइल के नेट से कनेक्ट कर लूंगी, लेकिन मैं भी पता नहीं कैसे क्लासेस होगा, अभी मैं कुछ बता नहीं सकती। तो ये 15 दिन तो आप पूरा ही कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, क्लासेस मिस मत कीजिए, ताकि कल का छोड़ देते हैं, कल का छोड़ के फिर हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे कर लेते हैं। ठीक है कल का छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप ना कल मतलब अभी आज थोड़ा सा इसको प्रीवियस या ट्रिग्नोमेट्री के कर लीजिए जी, और मैं आपको जो एनसीईआरटी मैंने बताया था, मैंने जो भेजा है वो आप जरूर करिएगा, उससे एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और एक मार्क्स के हैं। ठीक है, चलिए, और कोई डाउट आज की क्लास में? नहीं अभी तो नहीं। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाह रही थी, मतलब मैं पढ़ा रही हूँ आपको, कैसा लग रहा है, कोई मतलब होता है ना कंप्लेन वो बेसिकली हम लोग पीटीएम लेते हैं बच्चों की, तो कोई ठीक होता है ना पेरेंट्स की कंप्लेन होती है, वो ये कि थोड़ा सा पीछे वाला भी रिवाइज करते चलेंगे ना तो थोड़ा माइंड में रिफ्रेश रहेगा वो सारा फॉर्मूलाज। मेरे साथ होता है कि मैं अगर मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ, तो अभी इसीलिए मैं आपसे मांग रहा हूँ सारे पिछले वाले भी एक बार उनको मैं गो थ्रू कर लूंगा, तो हम फिर अभी साथ साथ में आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करते चलेंगे, मतलब हम लोग मॉक टेस्ट भी करते हुए चलेंगे, ताकि मेरा स्पीड भी पता चल जाए, स्पीड भी इम्प्रूव हो जाए और फॉर्मूलाज भी रिवाइज हो जाए, तो इसको भी साथ साथ आप। तो आप क्या चाह रहे हैं, मतलब मैं मतलब जो भी क्लासेस है उसमें हर दो क्लास के बाद एक मॉक टेस्ट रखूं प्रीवियस के? जी 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 ठीक है, और कुछ चेंजेस की ये नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कुछ और? नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारा, स्पीड ठीक है, बस मेरे लिए यही कंसर्न है कि अभी मेरे पास सिर्फ 2 महीने और बचे हुए हैं, मई और जून ही है, जुलाई में होने वाला है, तो मई में हम सिलेबस पूरा कवर कर लेते हैं और जून पूरा हम लोग मॉक सीरीज पूरा करते हैं लगातार। एक दो टेस्ट सीरीज में आपको खरीदने के लिए कहूंगी, वो अच्छे कंपनी से है और मतलब ज्यादा महंगे नहीं आते हैं, सस्ते ही आते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिल जाएंगे, और ना आप एनडीए के भी क्वेश्चन को भी मैं दूंगी, मैं नेट से देखूंगी, आप भी देखना क्या होता है ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, तो अगर आपको उसके सिमिलर टाइप के भी पेपर करते हैं ना, तो कभी कभी वो लोग ना क्या करते हैं, बहुत लेजी होते हैं एग्जामिनर, वो क्या करते हैं दूसरे पेपर का उठा के इसमें दे देते हैं, उसका पेपर उठा के इसमें दे देंगे, मतलब जो लेवल होता है अगर वो टच कर रहा है तो उसका, जैसे हम लोग भी टीचर का देते हैं, तो अगर यूपी गवर्नमेंट का दे रहे हैं तो आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट में जो टीचर का हुआ है वो उठा के दे देंगे, या बंगाल में हुआ है वो उठा के दे देंगे, तो हम लोग सारे सेम ईयर का दे देते हैं। हाँ हाँ सेम ईयर का भी देते हैं और सिमिलर भी, कभी कभी तो इवन डिजिट भी वो लोग चेंज नहीं करते, डिजिट भी वही डाल देते हैं, तो ये होता है कि हम लोग वो भी कर लेंगे। ठीक है, और एक दो मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको बताऊंगी, वो लोग कर लीजिएगा, और आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, मतलब मेरा जो रिव्यू है स्पीड अच्छी है और कैचिंग पावर अच्छी है, मतलब सर भी कह रहे थे कि इतना जल्दी सर ने कैसे कंप्लीट कर लिया तो मैंने बोला कि सर की कैचिंग पावर बहुत अच्छी है, आपको कह रही हूँ उसमें क्या होगा ना, 3 घंटे का ऑनलाइन पेपर होगा, जो मतलब जो 2 घंटे का या 3 घंटे का, उसमें आपको फुल लेंथ पेपर भी मिलेगा, मतलब इंग्लिश हिंदी, मतलब समझ लीजिए एग्जाम में बैठे हैं, और आप वो 3 घंटे पूरे ईमानदारी से करिएगा, उससे क्या होगा ना कि आपको जो फोबिया होता है ना एग्जाम में जाने का कि मुझे नहीं कर पा रहे, अरे टाइम निकल रहा, ये हो रहा, वो हो रहा, वो चीजें एकदम खत्म हो जाएंगी आपकी,
यही सही प्रोसेस है एग्जाम करने का। मैं बोलूंगी आपको, अच्छे साइट कंपेयर करके बताऊंगी, एक दो है मेरे नजर में, पर मैं देख लेती हूँ अभी किसका अच्छा रिव्यू चल रहा है। और मेरे हिसाब से आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना आप मेहनत कर रहे हैं और आप इतने अच्छे स्टूडेंट है, थोड़ा सा समय निकालिए और चीजों को और अच्छा कीजिए। मतलब जो SSRI वाले लोग हमेशा रिव्यू लेते रहते हैं कि सर की कितनी कंप्लीट हुई है, क्या चल रहा है, वो लोग भी शॉक्ड है कि सर ने इतना जल्दी इतना कुछ कंप्लीट कर लिया, मतलब इतने टॉपिक्स कंप्लीट हो गए इतनी जल्दी 17 क्लासेस में ही। तो मैंने बोला उनकी कैचिंग पावर अच्छी है और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए है ना, बस यही है कि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भेज, प्रीवियस वाला क्लासेस भेज, हाँ प्रीवियस क्लास का भेज दी तो मैं रिवाइज करना शुरू करता हूँ, फिर हम सीधा मॉक टेस्ट पे आना शुरू करेंगे साथ में। परसों कर लेते हैं 6 बजे और मेंसुरेशन शुरू करते हैं। नहीं नहीं, आपका ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक रह गया है ना, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो जो एयरप्लेन और ये सब वाला है, वो मुझे लगता है आपको हो जाएगा। तो आप जो भी रिवाइज कर लीजिएगा और जो डाउट होगा उस क्लास में पूछ लीजिएगा, और एक दो मेरे तरफ से इम्पोर्टेंट मैं बता दूंगी, क्योंकि वो एक टॉपिक रह जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री में हम मॉक टेस्ट ले लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा उसके बाद मॉक टेस्ट, उसके बाद मेंसुरेशन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ओके थैंक यू।